गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड टीवी को या फिर स्मार्ट टीवी को कंप्यूटर कैसे बना सकते हैं। देखिए गाइज, आपके एंड्रॉयड टीवी का या फिर स्मार्ट टीवी का लुक इससे काफी अलग हो सकता है, लेकिन जो इसकी प्रोसेस है ये पूरी सेम ही है। तो सबसे पहले गाइज, आपको अपने टीवी को कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कनेक्ट कैसे करना है आपको। गाइज, आप कुछ इस तरीके से टीवी को माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइज, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आप रियली अपने टीवी को कंप्यूटर नहीं बना पाओगे। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं फिर वीडियो की ओर। तो गाइज, सबसे पहले आपको दो APK फाइल को डाउनलोड करना है अपने टीवी में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे डाउनलोड कैसे करना है। गाइज, सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड टीवी को या फिर स्मार्ट टीवी को इंटरनेट देना होगा। उसके लिए आपको अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन कर देना है। गाइज, अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड टीवी के या फिर स्मार्ट टीवी के सेटिंग में चले जाना है। और गाइज, आपके टीवी की सेटिंग कहीं पर भी हो सकती है, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें। चलिए मैं सेटिंग में चले जाता हूँ। एंड गाइज, सेटिंग में जाने के बाद आपको नेटवर्क में चले जाना है। एंड वायरलेस कनेक्शन में जाकर वाईफाई को ऑन कर देना है। गाइज, आपके टीवी में वाईफाई कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए इसको भी ज़रूर ध्यान में रखें। अभी आप देख सकते हैं गाइज, मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ ये वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। चलिए गाइज, मैं बैक चले जाता हूँ। एंड बैक जाने के बाद गाइज, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। गाइज, अगर आपके टीवी में क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो इसे कैसे का डाउनलोड करना है इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप अपने टीवी में क्रोम ब्राउजर को कैसे का डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। एंड इसे ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना है। एंड यहाँ पर गाइस, आपको सर्च करना है technoaditya.in। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सर्च करना है। गाइज, आपको कुछ ऐसा ही सर्च करना है। चलिए मैं यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। एंड उसके बाद गाइज, आपके सामने फर्स्ट नंबर पर ही मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। चलिए गाइज, मैं इसमें चले जाता हूँ। एंड इसमें जाने के बाद आपके सामने मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद गाइज, आपको ऊपर सर्च ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है LED टीवी को कंप्यूटर कैसे बनाए। गाइज, आपको कुछ ऐसा ही सर्च करना है। एंड इसे सर्च करने के बाद आपके सामने वो पोस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको इसमें चले जाना है। चलिए फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड के नीचे एक पासवर्ड डालना है। इसका पासवर्ड है 3330122। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड आपको क्लिक हियर इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज, आप नेक्स्ट वेबसाइट पर आ जाओगे। एंड आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। एंड आपको डाउनलोड 1 दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपके सामने वो डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड डाउनलोड इस पर क्लिक कर देना है। एंड ओके, अभी आप देख सकते हैं गाइज, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। फाइनली गाइज, हमारी फाइल अभी डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद गाइज, हमें और एक फाइल को डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एंड डाउनलोड 1 इस पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड ओके डाउनलोड। फाइनली गाइज, ये भी फाइल हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। उसके बाद गाइज, आपको सबसे पहले बैक चले जाना है होम स्क्रीन पर। उसके बाद गाइज, आपको FX फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। गाइज, अगर आपके टीवी में नहीं है तो आपको इसे डाउनलोड करना होगा। इसे कैसे का डाउनलोड करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड इसे ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में चले जाना है। एंड यहाँ पर आपको इन दोनों APK को इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। नेक्स्ट, इस APK फाइल को इंस्टॉल करने के बाद आपको दूसरे APK फाइल को भी इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मैं डन इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड सेट ओरिएंटेशन इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। फाइनली गाइज, ये भी इंस्टॉल हो चुकी है। इसको भी मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। एंड होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको दोनों भी एप्लीकेशन दिखाई देंगे।
गाइज अगर आपके टीवी में रोटेशन की प्रॉब्लम आ रही है इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, तो गाइज उसके लिए आपको सबसे पहले सेट ओरिएंटेशन में चले जाना है एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है लैंडस्केप एंड ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपके जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। चलिए गाइज मैं इसे ओपन कर लेता हूँ कंप्यूटर लॉन्चर को एंड इसे ओपन करने के बाद गाइज अभी आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा कंप्यूटर जैसा इंटरफेस आ चुका है, जैसे कि मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि ये कैसे क्या वर्क करता है। गाइज अभी आप देख सकते हो आपको पूरा कंप्यूटर जैसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा एंड यहाँ से आप फाइल मैनेजर को भी ओपन कर सकते हो। गाइज अपने टीवी को हम लोग कंप्यूटर जैसा लुक तो दे सकते हैं लॉन्चर डाल के या फिर किसी भी एप्लीकेशन को डाल के, लेकिन हम लोग कंप्यूटर जैसा काम नहीं करवा सकते। चलिए गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे का काम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड कर लेना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइज मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ एंड क्रोम ब्राउजर को ओपन कर आप जो भी कंप्यूटर में कर सकते हो वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो अपने टीवी में। चलिए गाइज मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइज आपको सर्च करना है office.com। यहाँ पर मैं जैसे कि ऑफिस ही सर्च कर लेता हूँ एंड ऑफिस सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको इसे लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर मैं साइन अप फॉर फ्री इस पर क्लिक कर देता हूँ। गाइज यहाँ पर साइन इन करने के बाद अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सभी को यहाँ से चला सकते हैं। आप एक्सेल पर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, पावर पॉइंट, वर्ल्ड। चलिए गाइज सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वर्ल्ड पर क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है एंड इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है एंड जैसे कि यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। फाइनली गाइज अभी आप देख सकते हैं जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में वर्ल्ड चला सकते हैं वैसे ही आप अपने टीवी में भी चला सकते हैं। चलिए गाइज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ एंड यहाँ पर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। चलिए जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कीबोर्ड से टाइपिंग कर एंड यहाँ पर आप टाइपिंग भी सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं मेरे चैनल का नाम लिख देता हूँ। गाइज आप कुछ इस तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कि गाइज आपने देखा इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। गाइज इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। चलिए गाइज अब मैं आपको बता दूं इसे आपको सेव कैसे करना है। गाइज आप कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट को बनाकर सेव भी कर सकते हैं। गाइज आप कुछ इस तरह से अपने एंड्रॉइड टीवी को या फिर स्मार्ट टीवी को कंप्यूटर बना सकते हैं।